पंच केदार में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की डोली आज विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से कैलाश के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु मौजूद थे। आपको बता दें कि सेना के बैंड की मधुर ध्वनि और पुष्प वर्षा के बीच डोली को रवाना किया गया। गोपीनाथ मंदिर से गोपेश्वर गांव होते हुए मंडल मार्ग से डोली गंगोल गांव पहुंची, जहां पर ग्रामीणों द्वारा डोली का विधि विधान से स्वागत और पूजा अर्चना कर अर्घ लगाया गया। इसके पश्चात डोली सगर गांव पहुंची, वहां पर भी ग्रामीणों द्वारा डोली की पूजा अर्चना कर अर्घ लगाने के साथ मनोतियां मांगी गईं। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। आज भगवान श्री रुद्रनाथ जी की डोली गंगोल गांव में सूक्ष्म जलपान करते हुए वाड़ ग्राम से होते हुए विधि विधान में आज भगवान श्री रुद्रनाथ जी की डोली का विश्राम रहेगा। तत्पश्चात 17 तारीख को भगवान श्री रुद्रनाथ जी की डोली श्री रुद्रनाथ मंदिर में प्रवेश करेगी। ठीक 18 तारीख को भगवान श्री रुद्रनाथ जी का धाम संपूर्ण श्रद्धालुओं के लिए, संपूर्ण शिव भक्तों के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में भगवान श्री रुद्रनाथ जी के पट सभी शिव भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। आप सभी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आएँ। आप सभी की यात्रा सफल हो और भगवान पानीपत से आया हूँ हरियाणा से स्पेशल कर रुद्रनाथ जी के द्वार खोल रहे 18 को, मुझे पता चला कि 16 को यहाँ से डोली निकलनी है, तो मैं स्पेशल रात कल पानीपत से निकला हूँ, बस से रात को बैठ के यहाँ पर आया हूँ बाबा जी की डोली के लिए देखने के लिए। अब डोली मैंने देखी, मुझे बहुत आनंदित हुआ, मैं डोली के साथ ही ऊपर जा रहा हूँ रुद्रनाथ महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, जो यहाँ पे आए हैं हम डोली के साथ जाएंगे ऊपर तक। जय भोले जी।